तो ये तो हिमालय का रूप हुआ। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख क्षेत्र है जिसका हम अध्ययन करेंगे, यह है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। बच्चों, हिमालय से उतरने वाली जो नदियां हैं, इन नदियों ने अपने साथ लाई हुई बजरी और बालू के जो जलोढ़क है, इन जलोढ़क को निरंतर जमा किया है। पहले हिमालय और दक्कन के बीच में एक गहरी खाई थी, एक गहरा गर्त था। इस गर्तों में निरंतर यह बजरी बालू जैसे जलोढ़क जो है वो निरंतर जमा होते चले गए, और उसके जमाव के फलस्वरूप यह क्षेत्र धीरे धीरे यह ऊपर उठने लगा था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 से 3 हजार मीटर मोटा यह क्षेत्र है जहाँ पर जलोढ़क का जमाव हुआ है। और इस कहीं पर बालू का फैलाव था तो कहीं पर शैलों का फैलाव है, तो इस प्रकार से हिमालय जो है, जो जलोढ़क है, हिमालय से उतरने वाली नदी के बजरी और बालू के जमाव के कारण जो हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र और वहाँ से काफ़ी दूर तक जो मैदानों की रचना हुई है, इस मैदानों को हम भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। दूसरा बांगर प्रदेश है जिसे हम उपरवार भी कहते हैं, तराई वाला प्रदेश और खादर प्रदेश। खादर प्रदेश पूरी तरीके से कछार से निर्मित है। तो इसका जो सीक्वेंस है, सबसे पहला जो है भाबर प्रदेश जहाँ पर बजरी बालू का जमा हो गया और नदियाँ वहाँ लुप्त हो गई है। उसके लगभग 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में नदियाँ लुप्त होती है, उसके बाद नदियाँ पुनः प्रकट होती है, इसे हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह तराई प्रदेश में नदियों ने काफ़ी ऊंची नीची घाटियों का निर्माण किया है। उसके बाद नदी के जलोढ़क से जो मिट्टी उस क्षेत्र में व्याप्त हो गई है जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश आते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी है जिसमें दोमट और मटियार मिट्टी का जमाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये तो रहा भूवैज्ञानिक संरचना भारत की। इसके बाद हम आगे देखेंगे भारत की भू आकृति कैसी है, यानी भारत का उच्चावच कैसा है। बच्चों, अब हम देखेंगे भारत की भौतिक भू आकृतिक स्थलाकृतियाँ या भौतिक संरचना, हम इसको कह सकते हैं। भौतिक संरचना का तात्पर्य है, यदि हम भारत को देखते हैं तो हमें एक समतल सपाट भूमि नहीं दिखाई देती। हम देखते हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो मध्य में छोटे छोटे सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल जैसी श्रेणियां हैं, मध्य में बहुत विस्तृत मैदान है, तटों में भी हम देखते हैं कि बहुत सकरे मैदान तटों में पाए जा रहे हैं और उसके आजू बाजू में ऊंची श्रेणियां देखने को मिलती हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न स्वरूप है, इसी स्वरूप के आधार पर हम भारत की भू आकृति को वर्गीकृत करते हैं। सामान्य रूप से जो भारत की मुख्य भूमि है, इस भूमि का यदि हम भू आकृतिक वर्गीकरण करें तो सबसे पहले उत्तर का हिमालय, ये उत्तर से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। हिमालय और उसके साथ उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान जिसे हम सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र से निर्मित मैदान कहते हैं। तीसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत, और चौथा जो है तटीय मैदान। ये मध्यवर्ती भारत के प्रमुख भाग के क्षेत्र हैं। कुछ विद्वान राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे
उत्तर के विशाल मैदान में सम्मिलित करते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे राजस्थान की मरुस्थली के रूप में अलग इसे संबोधित करते हैं। यदि हम इसे अलग संबोधित करें तो यह भी एक हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा भारत न केवल मुख्य भूमि में बल्कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी इसके कुछ द्वीप विद्यमान हैं, तो द्वीप समूह को भी हम एक अलग स्थलाकृतियों में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो वर्गीकरण हुआ, यह 6 स्थलाकृतिक वर्गीकरण हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे वृहत हिमालय। बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया कि भारत के उत्तर में हिमालय बहुत विस्तृत रूप से पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है। पूर्वी भाग में कुछ उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं और उसी के निरंतरता में हिमालय फैला हुआ है। इसे हम वृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। यह भारत का उत्तरी भाग है। ये जो हिमालय है, इसके कारण हमारा देश एशिया के अन्य देशों से बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि इतने विशाल हिमालय ने भारत के क्षेत्र की जलवायु, यहाँ की संस्कृति, सब कुछ में परिवर्तन ला दिया है। आइए हम सबसे पहले हिमालय का अध्ययन करेंगे। हिमालय को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वृहत हिमालय, दूसरा मध्यम या लघु हिमालय और तीसरे को कहते हैं शिवालिक रेंज। ये 3 प्रमुख भाग। इसके अलावा चौथा हिमालय का जो क्षेत्र होता है, इसे हम हिमालय पार भी कहते हैं या ट्रांस हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे वृहत हिमालय। बच्चों, यहाँ पर आप मानचित्र में देख रहे हैं कि सबसे उत्तरी भाग जो है हिमालय का, यह वृहत हिमालय, इसे ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री या इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे उत्तरी भाग है जिसका विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में यह वृहत हिमालय व्याप्त है। बच्चों, इसकी औसत ऊंचाई, संपूर्ण वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई यदि हम देखते हैं तो यह 6100 मीटर है। इस क्षेत्र में 14 बहुत ऊंचे शिखर या ऊंची चोटियां हिमालय की यहीं पर विद्यमान हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, बच्चों आप इसकी ऊंचाई जानते हैं, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। तो ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। इसके बाद नामचा पर्वत 7756 मीटर की ऊंचाई। ऐसे ही और भी चोटियां हैं जिसमें प्रमुख चोटी है कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, मालसूल, अन्नपूर्णा, ये प्रमुख चोटियां हैं इस वृहत हिमालय की। इसका ढाल, तीव्र ढाल दक्षिण की ओर है, जबकि उत्तर की ओर इसका ढाल काफ़ी धीमा है। यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से आच्छादित है और इस क्षेत्र का सामान्य ढाल जो है वह दक्षिण की ओर काफ़ी तेज है। वृहत हिमालय की प्रमुख नदियाँ जो इस क्षेत्र से बहती है, इसमें गंगा और यमुना नदी और उसकी सहायक नदियाँ प्रमुख है। इस संपूर्ण क्षेत्र की जो रचना हुई है, अर्थात जो प्रमुख चट्टानें यहाँ पाई जाती है, इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें प्रमुख है।
इस क्षेत्र में वलन परिवलन क्षेपित भ्रंश की आकृतियां भी देखने को मिलती है। वृहत हिमालय के बारे में और यदि हम जानकारी, तो इसके प्रमुख दर्रे पासेस जो हैं, इसमें प्रमुख दर्रे हैं जो जिला शिपकीला माना नीति जयलापला दर्रा बुरजिला लाचाला लिपुलेख चांगला और नाथुला, ये प्रमुख वृहत हिमालय के दर्रे हैं। इस क्षेत्र में चूंकि वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है तो यहाँ पर बहुत अधिक हिमनद पाए जाते हैं। यह क्षेत्र संसार के सर्वोच्च हिमनद यहाँ पर पाए जाते हैं और सबसे अधिक हिमनद भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो हिमनद है इनकी ऊंचाई कश्मीर में लगभग 2440 मीटर तक यह हिमनद पाया जाता है, लेकिन मध्य तथा पूर्व में हिमनद की ऊंचाई 3940 मीटर तक आंकी गई है। तो इस प्रकार से ये इतनी ऊंचाई से ये हिमनद धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते हैं। हिमनद की जो गति है ये 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन की गति से हिमनद प्रवाहित होते हैं, और सामान्य रूप से जो हिमनद है, जो छोटे से छोटे हिमनद है, ये भी 3 से 5 किलोमीटर की लंबाई वाले हैं। कुछ प्रमुख हिमनद का मैं यहाँ उल्लेख करूँगी, जैसे गंगोत्री का हिमनद है, यह 25 किलोमीटर लंबा है। इसी प्रकार से मिलाम का हिमनद 19 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर लंबा है, सिक्किम में जेमू हिमनद जो है यह 25 किलोमीटर लंबा है, और कंचनजंगा का जो हिमनद है यह 16 किलोमीटर की लंबाई वाला हिमनद है। तो ये तो वृहत हिमालय की कुछ प्रमुख बातें हुई। दूसरा हिमालय का क्षेत्र है जिसे हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। बच्चों, जैसे पूर्व से पश्चिम हिमालय उत्तर में व्याप्त है, उसके ठीक नीचे यानी उसके दक्षिण में मध्यम या लघु हिमालय उसी के समानांतर फैला हुआ है। दक्षिण में यह 60 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्र में वृहत हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। यहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानों में कायांतरित शैलें सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि कैम्ब्रियन युग से इयोसीन युग तक की चट्टानें हैं। इसकी जो ऊंचाई है इस क्षेत्र की, यह लगभग 1000 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई इस मध्यम हिमालय की पाई जाती है। यहाँ पर कुछ अवसादी शैलें और चूना पत्थर की चट्टानें भी देखने को मिलती है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, इसमें सिंधु, सतलज, यमुना, गंडक, ब्रह्मपुत्र और कोसी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। जबकि प्रमुख जो श्रेणियाँ हैं, इन श्रेणियों में धौलाधर, नागटिब्बा, पीर पंजाल, महाभारत और मसूरी की श्रेणियाँ प्रमुख है। इस क्षेत्र में कुछ घाटियाँ भी पाई जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख है कश्मीर की घाटी। कश्मीर की जो घाटी है अभिनतिक वलन से बनी यह घाटी है। इसकी जो संरचना है बहुत ही सुंदर, इसको संरचनात्मक घाटी भी कहते हैं। अपने विलक्षण सौंदर्य के कारण यह जो कश्मीर की घाटी है, इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये जानते हैं ना बच्चों आप,
कि इसे हम कश्मीर को भारत का स्वर्ग ही नहीं बल्कि धरती का स्वर्ग कहते हैं। इसकी अपने आप बहुत ही सुंदरता देखने को मिलती है। दूसरी इसकी प्रमुख घाटी जो है, इसे हम कुल्लू कांगड़ा की घाटी कहते हैं। यह व्यास नदी के उत्तर में यह कुल्लू कांगड़ा की घाटी विद्यमान है। व्यास नदी के उत्तर में कुल्लू की घाटी है जबकि दक्षिण में कांगड़ा की घाटी यहाँ पर विद्यमान है। यह दोनों ही घाटियाँ पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रायः ग्रीष्म काल में अनेक पर्यटक यहाँ पर जा कर के इन घाटियों में शीत का आनंद उठाते हैं। लघु हिमालय की दो प्रमुख उपश्रेणियाँ हैं। पहला है मसूरी की श्रेणी। बच्चों आपने मसूरी का नाम सुना होगा, इसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी जो श्रेणी है इसे नागटिब्बा की श्रेणी कहते हैं। ये जो मसूरी की श्रेणी है ये इसके पूर्व में नैनीताल का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी झीलें व्याप्त है। लगभग अर्धचंद्राकार झील यहाँ पर पाई जाती है और इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा है। तो ये जो प्रमुख बातें थी लघु हिमालय की। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है, इसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी या शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है। यह इसे उप हिमालय भी कहते हैं और कुछ लोग इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में यह सबसे अंतिम स्थिति में बना है, सबसे बाद में बना है, मिलती है चिनाब से कोसी तक का क्षेत्र यहाँ पर व्याप्त है और इसकी यही दो प्रमुख घाटियाँ हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है यह लगभग 900 से 1500 मीटर तक है। इसी प्रकार से वृहत और मध्य हिमालय में जो बहने वाली नदियां हैं, इन नदियों ने वहां पर, चूंकि जैसा पहले ही बताया था कि इसका ढाल दक्षिण की तरफ है और इन क्षेत्र में बहने वाली नदियों ने इस क्षेत्र में तीव्र और अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास किया है। यहाँ पर ये अनुदैर्ध्य या जो लंबावत घाटी है ये इस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में इस प्रकार की अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास हुआ है। इस घाटी को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं। बच्चों आपने देहरादून, हरिद्वार ये नाम सुना है ना, ये इसी प्रकार के दून और द्वार के उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। कुछ और भी मैं दून के उदाहरण बताना चाहूँगी जिसमें चौखंबा, कोटा, पाटली, उधमपुरी और कोटली दून की जो घाटियाँ हैं ये सभी दून घाटियों के नाम से जानी जाती है। ये दून घाटियाँ क्या है, इसकी तली काफ़ी चौरस होती है और पूरी तरीके से बजरी और जलोढ़क से ये घाटी बनी हुई है। यहाँ पर बहुत बड़े नगरों का विकास भी इन घाटियों में हो गया है। फिर आगे हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, इसे हिमालय पार का क्षेत्र भी कहते हैं। हिमालय पार क्यों कहते हैं, वृहत हिमालय के उत्तर में हिमालय की एक और शाखा देखने को मिलती है जो कि लगभग 960 किलोमीटर लंबाई में व्याप्त है और इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व का जो हिस्सा है लगभग यह 40 किलोमीटर चौड़ा है लेकिन मध्यवर्ती
भाग जो है ये काफी अधिक चौड़ा है। लगभग इसका जो क्षेत्र है ये 200 किलोमीटर तक का चौड़ाई वाला मध्यवर्ती भाग है। यह जो ट्रांस हिमालय है इसकी ऊंचाई लगभग 3,500 से 5,000 मीटर तक देखी गई है। इसकी जो प्रमुख ऊंची चोटियां है इसमें कुछ हिमखंडित चोटियां हैं और कहीं कहीं पर कौल और दर्रे भी इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहीं पर बच्चों आपने नाम सुना होगा संसार की छत, इसे हम पामीर की गांठ कहते हैं। तो ये जो पामीर की गांठ है वो इसी क्षेत्र में है और इसके इर्द गिर्द कई चोटियाँ यहाँ से विस्तृत हुई। गांठ हम किसे कहते हैं, एक गांठ है पामीर की और उसके चारों तरफ से निकलने वाली अनेक पर्वत की श्रृंखलाएं यहाँ पर निकली हुई है। तो ये जो कौन कौन सी श्रृंखलाएं यहाँ पर निकली हुई है, तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है इसे हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। यह जो श्रेणी है गॉडविन आइंस्टीन, ये जो श्रेणी है यहाँ की, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसे जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,610 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी ऊंची चोटी है जो कि यहीं पर विद्यमान है, ट्रांस हिमालय में विद्यमान है। संसार की छत कही जाने वाली पामीर की गांठ यहीं पर विद्यमान है और इस गांठ से चारों तरफ अनेक श्रेणियां निकली हुई है। इसमें सबसे पहली काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी जिसे हम कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है इसे हम कहते हैं गॉडविन आइंस्टीन। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,110 मीटर है। विश्व की अन्य ऊंची चोटियां भी यहाँ पर, बहुत सारी ऊंची चोटी विद्यमान है, ऊंची चोटियां गुच्छों के रूप में यहाँ पर अनेक चोटियां देखने को मिलती है। इसमें एक विद्वान है जिनका नाम है, मिलती है चिनाब से कोसी तक का क्षेत्र यहाँ पर व्याप्त है और इसकी यही दो प्रमुख घाटियाँ हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है यह लगभग 900 से 1500 मीटर तक है। इसी प्रकार से वृहत और मध्य हिमालय में जो बहने वाली नदियाँ हैं, इन नदियों ने वहाँ पर, चूंकि जैसा पहले ही बताया था कि इसका ढाल दक्षिण की तरफ है और इन क्षेत्र में बहने वाली नदियों ने इस क्षेत्र में तीव्र और अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास किया है। यहाँ पर ये अनुदैर्ध्य या जो लंबवत घाटी है ये इस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में इस प्रकार की अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास हुआ है। इस घाटी को पश्चिम में दून और पूर्व में दुआर के नाम से जानते हैं। बच्चों आपने देहरादून, हरिद्वार ये नाम सुना है ना, ये इसी प्रकार के दून और दुआर के उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। कुछ और भी मैं दून के उदाहरण बताना चाहूँगी जिसमें चौखंबा, कोटा, पाटली, उधमपुरी और कोटली दून की जो घाटियां हैं ये सभी दून घाटियों के नाम से जानी जाती है। ये दून घाटियां क्या है, इसकी तली काफ़ी चौरस होती है और पूरी तरीके से बजरी और जलोढ़क से ये घाटी बनी हुई है। यहाँ पर बहुत बड़े नगरों का विकास भी इन घाटियों में हो गया है। फिर आगे हम देखेंगे
ट्रांस हिमालय, इसे हिमालय पार का क्षेत्र भी कहते हैं। हिमालय का हिमालय पार क्यों कहते हैं? वृहत हिमालय के उत्तर में हिमालय की एक और शाखा देखने को मिलती है जो कि लगभग 960 किलोमीटर लंबाई में व्याप्त है, और इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व का जो हिस्सा है लगभग यह 40 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन मध्यवर्ती भाग जो है ये काफ़ी अधिक चौड़ा है। लगभग इसका जो क्षेत्र है ये 200 किलोमीटर तक का चौड़ाई वाला मध्यवर्ती भाग है। यह जो ट्रांस हिमालय है इसकी ऊंचाई लगभग 3,500 से 5,000 मीटर तक देखी गई है। इसकी जो प्रमुख ऊंची चोटियां है इसमें कुछ हिमखंडित चोटियां हैं और कहीं कहीं पर कॉल और दर्रे भी इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहीं पर बच्चों आपने नाम सुना होगा संसार की छत, इसे हम पामीर की गांठ कहते हैं। तो ये जो पामीर की गांठ है वो इसी क्षेत्र में है और इसके इर्द गिर्द कई चोटियां यहाँ से विस्तृत हुई। गांठ हम किसे कहते हैं? एक गांठ है पामीर की और उसके चारों तरफ से निकलने वाली अनेक पर्वत की श्रृंखलाएं यहाँ पर निकली हुई है। तो ये जो कौन कौन सी श्रृंखलाएं यहाँ पर निकली हुई है, तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है इसे हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। यह जो श्रेणी है गॉडविन आइंस्टीन, ये जो श्रेणी है यहाँ की, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसे जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,610 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी ऊंची चोटी है जो कि यहीं पर विद्यमान है, ट्रांस हिमालय में विद्यमान है। संसार की छत कही जाने वाली पामीर की गांठ यहीं पर विद्यमान है और इस गांठ से चारों तरफ अनेक श्रेणियां निकली हुई है। इसमें सबसे पहली काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी जिसे हम कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है इसे हम कहते हैं गॉडविन आइंस्टीन, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,110 मीटर है।